लॉकडाउन की वजह से जगह जगह फंसे श्रमिकों के हित में काम करते हुए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेनें चलाईं, जिससे कि श्रमिक आराम से अपने घर पहुंच सके। लेकिन अब इसमें क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। मुद्दा है बिहार के मजदूरों का ट्रेन का किराया दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाना। बुधवार को इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट किया और बताया कि 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को दिल्ली से बिहार के लिए रवाना किया गया है। ट्रेन में सवार सभी लोगों का कोरोना टेस्ट दिल्ली सरकार की तरफ से कराया गया है। सभी मजदूरों के ट्रेन का टिकट, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। नमस्कार साथियों, आज पुनः ट्रेन द्वारा दिल्ली से बिहार के लिए 3-3 ट्रेनें रवाना हुई हैं। मजदूरों को लेकर के, वहाँ के निवासियों को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से सभी मजदूरों की कोरोना जांच की गई और उसके बाद उनके रास्ते में जाने के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, सबके टिकट की व्यवस्था की गई है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग सकुशल अपने घर पहुँचेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। दिल्ली सरकार की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आप सब लोगों को यात्रा मंगलमय हो। इस पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल के मुताबिक आम आदमी पार्टी के गोपाल राय झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने श्रमिकों का किराया देने की बात कही है, जबकि श्रमिकों का कोई किराया लगता ही नहीं है। इन श्रमिकों के लिए जितने भी इंतजाम किए गए हैं, सब रेलवे ने खुद किए हैं। रेलवे ने कोई काउंटर नहीं खोला जहां से टिकट खरीदा जा सके, और श्रमिकों के भाड़े की जो राशि होती है वो राज्य सरकार वहन करती है। भोजन के लिए रेलवे खुद काम कर रहा है। 12 घंटे या फिर उससे ज्यादा की यात्रा करने पर श्रमिकों को भोजन दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने तो श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। श्रमिकों के लिए दिल्ली सरकार ने भोजन पानी का इंतजाम नहीं किया, दिल्ली से बाहर बॉर्डर तक पहुंचाने का काम कर उन मजदूरों के साथ अव्यवहारिक तरीके से पेश आई है दिल्ली सरकार। झूठ की बुनियाद पर खड़ी है दिल्ली सरकार। आपको बता दें कि इससे पहले जेडीयू भी आप पर भारी पड़ चुकी है। आप और जेडीयू के बीच में वाक युद्ध हो चुका है। केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि वो प्रवासी कामगारों के किराए का खर्च उठा रही है, जिस पर जेडीयू ने सफाई पेश की थी कि आपने अधूरा सच बोला है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने किराया राशि के भुगतान की मांग की है।